जो बटेंगे जो कटेंगे। हाँ, इलेक्शन आते ही वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री इस स्तर पे नीचे गिरना ये देश के लिए शोभा नहीं देता, उनके लिए भी शोभा नहीं देता। यही जो प्रधानमंत्री जी है बोले थे कि गारंटी से बर्बाद होंगे राज्य, अब वो लोग जाके गारंटी अनाउंस कर रहे हैं, डबल फेस है वो, एक्सपोज हुआ है। सरकार जब तक है जब तक गारंटी लोगों को पहुंचाएगी। भाजपा ने गारंटी को अपोज कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव है तो रास्ते में चल। हाँ, यहाँ पे देखिए वो लोगों का, यही जो प्रधानमंत्री जी है बोले थे कि गारंटी से बर्बाद होंगे राज्य, अब वो लोग जाके गारंटी अनाउंस कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन अनाउंस कर रहे हैं और मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स अनाउंस कर रहे हैं, तो उनका जो डबल फेस है वो एक्सपोज हुआ है। नहीं, महाराष्ट्र तो पेट्रोल खर्चा में डूबा हुआ है, आप लोगों ने भी अनाउंस कर रहे हैं। नहीं देखिए, कर्जा में हर राज्य कर्जा में रहते हैं, लेकिन हमारे प्रायोरिटी हम देखना चाहिए कि हम गरीबों को मदद करने की हमारी जो इच्छा है या नहीं है। तो हमारे हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये सिद्धांत रहा है, हमेशा जब हमारी हुकूमत बनती है तो हम गरीबों के बारे में सोचते हैं और गरीबों का जो दिनचर्या उनका है उसमें उनका सहूलत हो, उनको उनका लाइफ आसान हो, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है, इसलिए हमेशा हम गरीबों की मदद करने के बारे में सोचते हैं। भाजपा कह रही है ये वोट के लिए नहीं है, हमारा सिद्धांत है। भाजपा लोगों ने कह रहे हैं कि स्टेट में मुसलमानों को स्पेशल रिजर्वेशन देने का सोच में है, कि वो लोगों का तुष्टिकरण की राजकारण है वो नहीं चलेगा, वो इलेक्शन आते ही वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके उसका बेनिफिट लेने के लिए जो उनको जो कोशिश है वो लोग उसको समझ चुके हैं, और उनको अगर जिंदा रहना है पॉलिटिकली तो पब्लिक इश्यूज लेके आए हैं, पब्लिक का जो मसाइल है उसके बारे में चर्चा करें, पब्लिक का जो पब्लिक इंटरेस्ट जो इश्यूज है उसके ऊपर अगर वो डिबेट करेंगे तो जिंदा रहेंगे, या ऐसा ही वो चुप लोगों को बांटने के बाद करेंगे तो उनको लोग रिजेक्ट करके लापता हो जाएंगे। यूपी का सीएम के बारे में खड़गे जी ने कहा है कि खादी पहन के एक सीएम टेररिस्ट का भाषा बोलता है और जो बटेंगे जो कटेंगे। हाँ देखिए, क्या है ये जो मुख्यमंत्री होते हैं कोई राज्य के, वो अंडर ओथ होते हैं और ये ओपनली ऐसा स्पीच दे रहे हैं कि यहाँ पे पोलराइजेशन करने की जो कोशिश होती है ये हमारे संविधान के विरुद्ध है और वो पोस्ट में रहने के लिए लायक नहीं है। कोविड बहुत बड़े पैमाने में कोविड के संदर्भ में यहाँ पे अव्यवहार हुआ है, जो हमारे आरोप था वो सही निकला, क्योंकि जस्टिस कुन्ना कमेटी का रिपोर्ट ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें बीजेपी के सरकार शामिल थी। देखिए प्रहलाद जोशी जी उनको ना आप सेंट्रल मिनिस्टर का मर्यादा क्या है और सेंट्रल मिनिस्टर कैसा बात करना चाहिए उनको उसके बारे में शायद इल्म नहीं है, और ऐसा कहते अपना खुद का स्तर वो नीचा कर रहे हैं, इसलिए ये जो जस्टिस कुन्ना कमेटी का रिपोर्ट है वो उनको सिम सपना बना है, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी में जो कोविड के संदर्भ में ये लोग जो लूट मचाए थे वो सब लोगों के में आएगा तो हमारा निर्णाम होगा बीजेपी, ये उनको डर है। सर बीजेपी प्रणाली क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन में, बीजेपी प्रणाली के बीजेपी वो लोग भी हम वो देंगे ये देंगे झूठे बात बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब प्रॉमिस गारंटी कर रहे हैं तो उसका निंदा कर रहे हैं, और वो लोग भी प्रॉमिस गारंटी का प्रॉमिस कर रहे हैं, ये वोट के लिए कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस। कांग्रेस वाले कर्नाटक में इनसे पैसे कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करें महाराष्ट्र। देखिए अगर वो सिद्ध करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री बोले हैं इसके बारे में, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ ये वोट लेने के लिए प्रधानमंत्री इस स्तर पे नीचे गिरना ये देश के लिए शोभा नहीं देता, उनके लिए भी शोभा नहीं देता।